गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल में शीट्स को ऐड करने का। तो आज एक्सेल में आपको शीट्स ऐड करने के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, एक्सेल के आप जब भी कोई नई फाइल खोलते हैं या वर्कबुक खोलते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 शीट्स ऑलरेडी मिलती हैं। और आप इसको यहाँ प्लस के साइन से भी, इंसर्ट वर्कशीट से भी एंटर कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस F11 के द्वारा भी आप इसमें शीट्स को ऐड कर सकते हैं। बट एक तरीका और है शीट को ऐड करने का, वो है अब ऑफिस बटन पे जाएंगे और एक्सेल ऑप्शंस में यहाँ पर जाकर यहाँ पॉपुलर और इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, तो आप यहाँ पे जाके ये नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ये बाई डिफ़ॉल्ट 3 रहता है और इसकी लिमिट होती है 255 शीट्स के विद इन में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इससे ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे कर लेता हूँ 6 और इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुई है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे कोई न्यू फाइल नहीं खोलूँगा उसके बगैर ये यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। तो न्यू फाइल करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट, और ये देखिए बुक 2 हमारी खुली है और यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जो है 3 की जगह 6 वर्कशीट्स आ गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube/learn excel hindi। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।